गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियां। इसमें देखिए अनुच्छेद 74 के अनुसार मैंने बताया था आपको मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 75 के अनुसार, और व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति की सहायता के लिए होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियां। ठीक है, मंत्रिमंडल की शक्तियां पढ़ेंगे। तो वैसे तो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल को कहा जाता है भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय। क्या कहते हैं इसे? भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहते हैं, अर्थात जो मंत्रिमंडल है वो भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहलाता है। अब भारतीय जो मंत्रिमंडल है इस मंत्रिमंडल को शक्तियाँ दी गई है जैसे राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, कानून निर्माण नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, वित्तीय कार्य, वैदेशिक संबंधों का संचालन और नियुक्ति संबंधी कार्य। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, राष्ट्रीय नीतियों का जो निर्धारण है वो भारतीय एक ऐसा कह सकते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द अलग होता है, कैबिनेट अलग होता है, वो मंत्रिपरिषद अलग होता है, मंत्रिमंडल अलग होता है। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट होता है अर्थात जो मंत्रिमंडल होता है जो विशिष्ट जो नीतियाँ होती है उन नीतियों का निर्माण करता है। भारतीय जो कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया जाता है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा प्रधानमंत्री तथा उसके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया जाता है कि किस तरीके से कोई योजना चलानी है, पूरे देश को लाभान्वित करना है, वो जो योजनाएँ होती हैं उन योजनाओं से संबंधित जो अधिकार दिए जाते हैं वो अधिकार दिए जाते हैं हमारे मंत्रिमंडल को, अर्थात मंत्रिमंडल नीतियों का निर्माता होता है, उन्हें क्रियान्वित भी वही करता है। उनको बनाने का काम कौन करता है? नीतियों को मंत्रिमंडल करता है, उनका क्रियान्वयन कौन करता है? वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरी जो चीज़ है कानून निर्माण का नियंत्रण, अर्थात जो कानून निर्माण है वैसे तो कह सकते हैं कि कानून का निर्माण हमारी संसद के द्वारा किया जाता है, अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, दोनों मिलकर कोई विधेयक पारित करती है, ये विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति इसमें साइन करता है, उसे क्लियर करता है, उसके बाद उनको क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। कोई भी कानून या कोई किसी कानून का रूप लेता है जब लोकसभा राज्यसभा दोनों उन्हें अपने बहुमत से पारित कर देती है, फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति फिर क्या करता है? उसके हस्ताक्षर करने का काम करता है, उसके बाद में वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। लेकिन कानून निर्माण पर जो नियंत्रण होता है वो हमारे मंत्रिमंडल का होता है। कहने में तो हम ये कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है अर्थात जो कानून बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन व्यवहार में हम कहें तो उस कानून का निर्माण किसका होता है? वो हमारे मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल की इच्छा से कानून का निर्माण होता है, किस प्रकार का कानून किस तरीके से और कब बनाया जाएगा इसके संबंध में मंत्रिमंडल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है, मंत्रिमंडल को विशेष दर्जा दिया गया है जिसके आधार पर वो क्या करता है? कानून पर निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। अर्थात जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक मंत्रिमंडल की इच्छा नहीं होगी, मंत्रिमंडल की जो इच्छा है उसके अनुसार ही कानून का निर्माण किया जाता है। अर्थात जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो कानून का निर्माण कब करेंगे? जब मंत्रिमंडल उसको एक तरीके से वेरीफाई करेगा, मंत्रिमंडल जब वेरीफाई कर देगा तो उसके बाद जो संसद के जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास में जाएंगे, राष्ट्रपति उनके हस्ताक्षर करने का कार्य करेगा। अर्थात जब तक मंत्रिमंडल की इच्छा नहीं है वो कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। वैसे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संवैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान की गई है, राष्ट्रपति बस राष्ट्रपति कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये केवल हमारे कानूनी रूप से है, लेकिन व्यवहार में जो स्थिति है वो बिल्कुल उल्टी है। राष्ट्रीय जो कार्यपालिका है उस राष्ट्रीय कार्यपालिका पर जो अधिकार है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। हम कह रहे थे पहले कि प्रधानमंत्री तो संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान
संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है प्रधान। ठीक है, संविधान के अनुसार किसको सर्वोच्च मानते हैं? राष्ट्रपति को मानते हैं, लेकिन वास्तव में इस कार्यपालिका पर जो सर्वोच्च नियंत्रण होता है वो हमारे मंत्रिमंडल का होता है, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है उस प्रधानमंत्री का उसके मंत्रिमंडल उसका जो कैबिनेट है उसका इस पर पूरा नियंत्रण होता है। जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था इसी के अनुसार चलती है। राष्ट्रीय जो कार्यपालिका है उसका सर्वोच्च नियंत्रण किसका है? कैबिनेट का है, मंत्रिमंडल का है। इसके अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसके बाद देखिए नंबर चार में वित्तीय कार्य, अर्थात जो कैबिनेट होता है तो कैबिनेट वित्तीय कार्य करता है। और वो वित्तीय कार्य कौन से हैं या कौन से होंगे जिनको हमारा एक तरीके से जो कैबिनेट वो करता है? सबसे पहले बात करें तो वित्तीय जो शक्ति है वो हमारे कैबिनेट को या मंत्रिमंडल को प्राप्त होती है। और वित्तीय शक्ति कैसे प्राप्त? वैसे तो हम कह रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के राष्ट्रपति को वित्तीय शक्ति प्रदान होती है। सर्वोच्च रूप से प्रधानमंत्री सर्वोच्च रूप से राष्ट्रपति जो वित्त है उसका उपयोग करता है उसकी अच्छा से नियोग। लेकिन निर्माण की बात करें तो ये जो नियंत्रण होता है ये हमारे कैबिनेट के ऊपर होता है, अर्थात जो मंत्रिमंडल होता है उसमें ये वित्तीय शक्ति पाई जाती है। जब सत्र चलते हैं आपको मैंने बताया था कि तीन प्रकार के सत्र चलते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के सत्र चलते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा ग्रीष्मकालीन जिसे हम मानसून भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है? शीतकालीन। अब देखो ये बजट सत्र है, बजट सत्र में क्या पेश किया जाएगा? बजट पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा अर्थात आय और व्यय से संबंधित जो भी प्रावधान है किए जाएंगे। ठीक है, जो बजट पेश है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा, अर्थात वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। हाँ, स्वीकृति लेनी पड़ेगी हमारी बात की राष्ट्रपति की, स्वीकृति बात का राष्ट्रपति देगा। लेकिन इस बजट सत्र में क्या है, बजट पेश किया जाएगा, आय व्यय से संबंधित जो प्रावधान किए जाएंगे, हमारे देश की कितनी आय है कितने व्यय हुआ है इसका जो सारा ब्यौरा है वो इसी में दिया जाता है। इसके बाद देखिए नंबर पाँच पे वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन से मतलब यह हुआ कि जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उनमें जो कैबिनेट है उसकी इच्छा के अनुसार ही जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। अर्थात कोई भी संधि होती है, अर्थात किसी भी प्रकार से किसी देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कोई समझौता होता है तो उसमें जो पूर्ण अधिकार है वो हमारे कैबिनेट का होता है। कैबिनेट की जो इच्छा है उसके अनुसार ही समझौते किए जाते हैं, अर्थात समझौते करने का अधिकार तो हमारे राष्ट्रपति को है। हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। लेकिन व्यवहार में स्थिति यह है कि जो कैबिनेट कहता है अर्थात जो हमारा मंत्रिमंडल जो कहता है उसके अनुसार ही वो संधियाँ की जाती है, उसके अनुसार ही वो समझौते किए जाते हैं। अर्थात हमारे देश का दूसरे देशों के साथ में कैसा एक तरीके से व्यवहार होगा, अर्थात दूसरे देशों के साथ में कैसा हम व्यवहार करेंगे, अर्थात दूसरे देशों के साथ में कैसे समझौते करेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है, ये मंत्रिमंडल पर डिपेंड करता है। इसके बाद में देखिए नियुक्ति संबंधी कार्य। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है इसमें नियुक्ति करने का जो अधिकार है हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। हमने पढ़ा भी है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है, इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों का निर्वाचन नियुक्ति करता है, इसके अलावा जो एक तरीके से न्यायाधीश है चाहे से उच्च न्यायालय में हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय में हो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये तो संवैधानिक स्थिति है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल के इच्छा के अनुसार किया जाता है। अर्थात मंत्रिमंडल जिसको कहता है उसको राज्यपाल बनाया जाता है, मंत्रिमंडल जिसको कहता है उसको
कि कानूनी रूप से तो ये सारी की सारी शक्तियां करें राष्ट्रपति मिलते, लेकिन जो व्यावहारिक स्थिति यह है अगर किसी राज्य में राज्यपाल बनाया जाएगा तो मंत्रिमंडल की इच्छा से बनाया जाएगा, अगर किसी राज्य में कोई न्यायाधीश बनाया जाएगा किसकी इच्छा से बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल की इच्छा से बनाया जाएगा। लेकिन बात वही आती है कि जो लास्ट में तो उसकी नियुक्ति की जाएगी वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ शक्तियाँ थी जो हमारे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, ओके।